अपने लिए तो सभी जीते हैं, गोरों के लिए जीना ही जिंदगानी है। ग्राम पंचायत बारापाल, और ये बारापाल का तालाब है छोटा सा, बहुत ही जो 5 दिन पहले बरसात हुई थी, देखें कितना चकाचक पानी भरा हुआ है। मेरे साथ में है विक्रम सिंह जी भटनागर। क्या लेने के लिए आए हैं यहाँ पर, ये भी हम बताएंगे आपको यहाँ पर क्यों आए हैं। उदयपुर से करीब 17 किलोमीटर दूर ये गांव है और यहाँ हमारा आना हुआ है, तो 17 किलोमीटर दूर ये गांव पड़ता है और इस गांव में हम लोग आए हैं जन जागृति के लिए। तो मीटिंग होनी है यहाँ पर 2 दिवसीय कार्यशाला, तो 2 दिवसीय यहाँ पर हमारी राष्ट्रीय घरेलू कामकाजी महिला श्रमिक संगठन और राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड एवं विकास बोर्ड भारत सरकार श्रम मंत्रालय द्वारा जो 2 दिवसीय आप समय समय पर देखते हैं हमको जानकारी देते हुए, माता बहनों को यहाँ पे हम सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जो है वो जानकारियाँ देते हैं। और इसमें हमें कोई बोरी बर्गर या कट्टा बर्गर पैसा नहीं मिलता है, हम लोग चाहते हैं कि हम अपने समाज में और अदर समाज में जहाँ भी सरकार की जो योजनाएं हैं उनको कैसे हम लागू करा सकें, क्योंकि गांव के लोगों को अक्सर यहाँ गांव में रहते हो परिवेश में इनको जानकारी के अभाव में योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं, अपने जीवन को बेहतर जीने का जो ढंग है वो नहीं जानते हैं, समय के साथ कैसे चलना है उसके लिए क्षमता वर्धन के लिए हमारे विक्रम जी भटनागर कानूनी जानकारियाँ देते हैं। जैसे कुप्रथा बहुत है यहाँ गाँव में, बाल विवाह करना, कन्या भ्रूण हत्या करना, इसके साथ ही मृत्यु भोज करना, शराब पीना, नशा करना, छोटी छोटी बात पे झगड़ना, खेती और ज़मीन के लिए संघर्ष करना, भाई भाई के बीच में छोटे मोटे विवाद होना, सास और बहू का झगड़ा होना, बहू और सास का झगड़ा होना, पिता पुत्र का झगड़ा होना, ये मतलब छोटी छोटी जो बातें हैं गांव में परिपेश में लोग क्या करते हैं कि छोटी छोटी बातों पे झगड़ जाते हैं, इसलिए कानून की जानकारी उनको होना बहुत ज़रूरी है। और कानून के अभाव में वो लोग क्या करते हैं, अपराध कर लेते हैं और फिर तो अपराध कर बैठते हैं और अपराध जो है वो मुसीबत बन जाता है, इसीलिए गांव में हम लोग आते हैं लीगल जानकारी देने के लिए। धन्यवाद देने चाहेंगे राष्ट्रीय घरेलू कामकाजी महिला श्रमिक संगठन और राष्ट्रीय श्रमिक एवं शिक्षा बोर्ड विकास बोर्ड भारत सरकार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। तो ये दंतोपंथी थे क्रांतिकारी जिनके माध्यम से बोर्ड स्थापित हुआ है और बोर्ड की वजह से महिलाओं को यहाँ पर जानकारी सुनने का जो है अवसर प्राप्त होता है और उनको इस जानकारी सुनने का कुछ मानदेय भी उनको दिया जाता है, ताकि घर 2 दिन बैठने का जो उनको प्रोत्साहन भी दिया जाता है। और हमको क्षमता वर्धन के लिए छोटी सी मानदेय 300 रुपये जो है ₹300 का मानदेय मिलता है। नज़ारा आप देख सकते हैं गांवों का परिपेश, आप देखिए बहता हुआ पानी कितना गजब नज़ारा है। और चलिए विक्रम जी हमारी गाड़ी को लेके और उस तरफ जा रहे हैं और पानी में होते हुए बाहर निकलना पड़ा, कितना खूबसूरत दृश्य है कि क्या बात, बहुत ही खूबसूरत दृश्य है बहता हुआ पानी। चलो ना चलो, देखिए ऐसा हुआ पानी बहुत ज़बरदस्त और बहुत आसानी है। तारापाल गांव पंचायत है तो यहाँ पर मीटिंग होनी है, तो चलिए बचकर निकलते हैं जरा गांव का परिपेश। हाँ हाँ, कितना सुंदर लगता है, मज़ा आ जाए। तो सभी माताओं बहनों को आज लीगल जानकारी देने के लिए आज लोग हम लोग आए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को जानकारी देने की है। यहाँ पर लगता है जोगी फला, इस गांव का नाम जोगी फला है और जोगी फला में जाकर हमको जानकारियाँ देनी है, क्या बात है। तो कसो फलो जोगी फलो जोगी फला जोगी वाड़ा जोगी वाड़ा। तो देखिए दुकान भी है छोटी सी, हाँ छोटी सी दुकान, हाँ हाँ गजब। और अब की बार तालाब अच्छा भरा है आप, है ना, ये 3 दिन ये बार वर्का ही बनी में भी हो, हाँ बनी में पहली बार तो भरो देखियो मैंने, बहुत ही बढ़िया लग रहा था। लेकिन सिंगाड़ा की खेती भी है, सिंगाड़ा की खेती भी है इनमें, पर नहीं साहब की तो नहीं है, तो है लाग तो रिया थोड़ा थोड़ा पत्ता तो है। तो देखिए गांव में छोटी छोटी दुकानें भी होती है,
आइए महिला, आइए नमस्ते, आइए बुलाओ सबने। 40 हाँ 40 महिला, तो 40 महिलाओं की मीटिंग होनी है और सभी माता बहनें आएगी जिनको लीगल जानकारियाँ देनी है, जीवन कैसे जीना है, जीवन को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, कौशल विकास कार्यक्रम क्या है, कानून क्या है, न्याय क्या है, सामाजिक क्या है और बच्चे कैसे बढ़ सकते हैं, शिक्षा क्या है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देकर जागरूक किया जाएगा। तो ये हमारा आंगनबाड़ी है, कहीं इसको नंदघर के नाम से भी जानते हैं। चारों ओर खूब खूबसूरत दृश्य, तो नंदघर है ये, और नंदघर में साफ सफाई स्वच्छता सभी बहुत है, और यही वो भवन है जिसमें महिलाएं जो है मीटिंग होनी है। ये आंगनबाड़ी है बच्चों की, बालवाड़ी, इसी पे मीटिंग होनी है। अभी सभी महिलाएं यहीं आके बैठेगी। अटे अटे, तो आपने देखा आंगनबाड़ी को, देखा आपने, आंगनबाड़ी है ये, बालवाड़ी के नाम से इसको जाना जाता है। और सामने हाईवे है, सुंदर झील है। तो हम अपने समाज में तो विकास के लिए काम कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ उन समाजों के साथ भी काम करते हैं जो कहीं कहीं शिक्षा के अभाव में, अज्ञानता के और अंधविश्वास के अभाव में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, अपने ही लोगों के आपस में शत्रु बन जाते हैं, आपस में ही संघर्ष हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर सोचने की क्षमता खो देते हैं, फिर उनको आगे चलकर पूरा जो है परिवार बिखर जाता है। इसीलिए उनमें संघर्ष ना हो, अच्छा जीवन जिए, उनके बच्चे भी अच्छी पढ़ाई कर अच्छी तालीम हासिल करके अच्छे नागरिक बने, इसके लिए हर प्रकार से प्रयास किया जा रहा है। तो उनको सबल बनाने के लिए, ग्रामीण परिवेश को बदलकर और विकास की ओर ले जाने के लिए ये कड़ा प्रयास किया जा रहा है। और दंतों पर ठेकड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के माध्यम से इस प्रकार की जन जागृति की जा रही है। स्वच्छ भारत अभियान कहने को तो चला गया, लेकिन अभी गया नहीं है, अभी भी हालात वही के वही बने हुए हैं। एक चीज मैं आपको बहुत सुंदर दिखाने वाला हूँ, शायद आपने देखा कि नहीं देखा होगा, ये देखिए, ये चिड़िया जो है उन्होंने कितने सुंदर जो है घोंसले बनाए हैं, देखिए कितना सुंदर। इंसान घर बनाता है, पूरा जिंदगी भर का बजट उनका खत्म हो जाता है, जीवन में शादी और घर बनाना बहुत चुनौती होता है, लेकिन यहाँ देखिए पशु पक्षी भी अपने लिए घर बनाते हैं, और उस घर को बनाने में काफ़ी समय लगता है। इसको एक एक छाल से इसको बनाया गया है, पतले पतले जो पेड़ के जो रेशू है सबसे बनाया गया है। देखो कितने कुशलता के साथ पंछी ने घोंसले बनाए हैं, ऐसे घोंसले प्रेम के घोंसले जिसमें पूरा इनका पूरा परिवार रहता है, बड़े होते हैं, लेकिन इनके जीवन में सामाजिक परिवेश नहीं होता। ये बीमार भी हो जाए तो इनकी माँ अस्पताल नहीं ले जा सकती। ये जीवन लेते हैं और ईश्वर के भरोसे जन्म लेते हैं, और ईश्वर के भरोसे ही पूरा जीवन निकाल लेते हैं। घर पे पहुँचे नहीं पहुँचे कोई गारंटी नहीं। मनुष्य ही एक ऐसा सामाजिक प्राणी है जो सभी के लिए सोचता है, बीमार होने पर अस्पताल ले जाता है। मानव ही मानव की सेवा करता है, मानव सभी की सेवा करता है, मानव जानवरों की सेवा करता है, धरती पर रहने वाले जीव जंतु प्राणी सभी के बारे में अगर कोई सोचने वाला प्राणी है तो मानव है। तो हम इतना बढ़िया, ईश्वर ने हमको बहुत बुद्धि दी है, क्षमता दी है, तो क्यों ना हम इसको प्रकृति को बचाने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए हर प्रकार से प्रयत्न करें, और अपने समाज को नहीं सभी समाज को आगे बढ़ाने का काम करें, प्रगतिशील समाज ने बनाने के लिए हर व्यक्ति की भागीदारी जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी ने वीडियो देखा है,
और इस वीडियो को अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने परिवार में सभी सदस्यों को दिखाइए। और मैं निवेदन करता हूँ, सामाजिक कुरीतियाँ छोड़कर अच्छाई की ओर आइए, प्रेम की ओर आइए, मित्रता की ओर आइए। निश्चित रूप से आने वाले भविष्य हमारा बहुत ही सुंदर होगा और इतनी सुंदर सुंदर हमारी जिले हैं पूरे देश में, उनको स्वच्छ बनाए रखिए और स्वच्छ भारत की पालना कीजिए। देखिए बाहर सोच करके चले जाते हैं, उसकी गंदगी जो है हमारे घर तक पहुंच ही आती है। क्या मच्छर और मक्खियाँ कभी क्या हाथ मुंह नहा धो के हमारे घर आती है या नहीं? आगे वो यहाँ से मल मूत्र से उठती है और सीधी हमारे घर तक आती है और भोजन पे बैठ जाती है। हम क्या खा रहे हैं आप सोच सकते हैं। इसलिए स्वच्छ भारत की पालना कीजिए, देश को सशक्त और उन्नत बनाने के लिए आप भी अपना योगदान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।